वेलकम यू ऑल ऑन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर बेसिक्स एंड एमएस ऑफिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड. ओके, कल जो हमने सीखा था उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, फ्रेंड्स, हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है हमारा डेस्कटॉप क्या है. बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मैं डेस्कटॉप पे काम कर रही हूँ या मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है या एन नंबर ऑफ थिंग्स लाइकवाइज. ठीक है, तो ये डेस्कटॉप होता क्या है. ओके, और ये डेस्कटॉप पे हम काम कैसे करेंगे. तो कुछ सालों पहले हर एक कंप्यूटर पे विंडोज एक्सपी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था. ठीक है, अभी तो विंडोज 7 या विंडोज 8 या 10 अभी अवेलेबल है, बट कुछ समय पहले हम लोगों के कंप्यूटर्स पे विंडोज एक्सपी करके ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम लोगों की गाड़ी में पेट्रोल अगर है और हमने इग्निशन ऑन किया तब वो सर्किट कंप्लीट होता है और गाड़ी चलती है. तो पेट्रोल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर होता है, आपकी गाड़ी जो है वो आपका हार्डवेयर होता है, और जो इग्निशन जिसके वजह से जो दिखाई नहीं देता बट ये पूरा चीजों को वर्केबल करता है, ये पूरी चीजों को मेंटेन करता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो कंप्यूटर में जैसे ये हार्डवेयर है, मतलब जैसे अभी लैपटॉप दिख रहा है, हार्ड डिस्क दिख रही है, कंप्यूटर दिख रहा है, जिन चीजों को मैं छू सकती हूँ वो सारा हो गया मेरा हार्डवेयर. और जिन चीजों को मैं छू नहीं सकती बट उसका इम्पैक्ट देख सकती हूँ, जैसे अभी आपको मेरी मेरा फेस मेरा वीडियो दिखाई दे रहा होगा या स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर. बट इस हार्डवेयर और इस सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम, यानी मैं इस कंप्यूटर पे जो काम कर रही हूं वो करने के लिए, जैसे शरीर में आत्मा होती है जैसे हम बोलते हैं ना, तो जैसे आत्मा का एग्जिस्टेंस पूरे बॉडी को वर्केबल करता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो वो कंप्यूटर वर्केबल रहेगा. अदरवाइज आपके कंप्यूटर में चाहे आपने कितने भी सॉफ्टवेयर्स डाल दिए, आपका हार्डवेयर बहुत अच्छा है बट अगर आपकी सिस्टम क्रैश हो गई, सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश हो गई तो आपका कंप्यूटर वर्केबल नहीं रहता. सो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट या कंपोनेंट बोल सकते हैं. ओके, सो अब इसमें हम कैसे काम करेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग काम कर सकते हैं. तो वो कौन कौन से टूल्स है, क्या उसमें ऑप्शंस है, वो हम देखेंगे. तो है स्टार्ट मेनू, फिर डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं, अपने हार्ड डिस्क में कितनी जगह है, कितनी स्पेस है वो हम देख सकते हैं. ओके, देन विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर क्या है वो हम देखेंगे. ओके, देन मूविंग फोल्डर्स ऑन योर हार्ड ड्राइव क्या होता है, कॉपी फ्रॉम अ सीडी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव क्या होता है, वॉलपेपर्स क्या होते हैं, और जो स्क्रीन सेवर वो या डेट टाइम वो कैसे चेंज कर सकते हैं वो सब हम लोग इसमें देखेंगे. ओके, फाइन.
सो अभी विंडोज एक्सपी का डेस्कटॉप डेस्कटॉप बोला तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर का बटन फ्रेंड्स जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करती हूँ तो कंप्यूटर ऑन होते बराबर जो व्हाट आई कैन से जैसे हम लोग घर में आते बराबर हमको हॉल दिखाई देता है तो वैसे ही कंप्यूटर में अगर मैंने स्टार्ट किया ऑन का बटन प्रेस किया तो जो सबसे पहले मुझे दिखाई देता है दैट इज द डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है जो हमको एक जैसे कंप्यूटर खुलते बराबर वाला जो लुक है वो यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, सो नाउ इसमें देखिए अभी ये मेरे कंप्यूटर का जो नाम रहेगा जब ये कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुई थी तो इसका जो नाम रहेगा वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है। ओके, अब ये एडमिनिस्ट्रेटर के जगह यू कैन हैव लाइक आपका खुद का नाम इंस्टॉल करते समय आपने नाम भी दिया होगा तो वो भी दिखा सकता है। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसके जगह आप क्या देख सकते हो यू कैन सी हियर आपका नाम भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, देन ऑल प्रोग्राम्स इसमें कुछ नाम दिखाई देते हैं जैसे हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं वैसे ही और हर कमरे का अपना एक स्पेशलिटी होता है तो वैसे ही यहाँ पे आपको हर कमरे के नाम कुछ ना कुछ दिखाई दे रहे हैं जैसे माई डॉक्यूमेंट्स है, माई पिक्चर्स है, माई म्यूजिक है, माई कंप्यूटर है, माई नेटवर्क प्लेसेस है, कंट्रोल पैनल है। ओके, सो लाइक दिस बहुत सारे इसमें बिल्ट इन मतलब जैसे अपने घर में जो एक स्पेसिफिक जैसे किचन, ड्राइंग रूम, हॉल, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, स्टूडेंट्स रूम या चिल्ड्रंस रूम, स्टडी रूम, तो ऐसे जैसे अलग अलग रूम्स है और उनकी एक स्पेशल पूजा रूम, तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग रूम्स है जिनको हम उनके नाम के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये कंपोनेंट अवेलेबल रहेगा। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी इन नामों के हिसाब से आप अलग अलग कंपोनेंट्स वहां पे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो खुलते बराबर स्क्रीन खुलते बराबर कंप्यूटर ऑन होते बराबर सबसे पहले आपको क्या दिखेगा विंडोज एक्सपी का डेस्कटॉप अगर आपके कंप्यूटर पे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज एक्सपी। ठीक है, अब ये जो डेस्कटॉप है देखिए अभी मैंने आपको कहा था स्टार्ट बटन दिखाई देगा तो ये देखिए ये जो है ना स्टार्ट लिखे हुआ है। ओके, तो जैसे हम लोग फोन में मेन बटन होता है ना जहां से हम सारे फीचर्स को एक्सेस करते हैं तो वैसे ही कंप्यूटर में ये एक मेन बटन है जहां से हम सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कुछ बटन्स ऐसे हैं या कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो पीले कलर के हैं। फ्रेंड्स ये जो पीले कलर के सिंबल्स हैं वो फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, फोल्डर्स ये पीले कलर के जो सिंबल्स हैं वो क्या होते हैं फोल्डर्स। अभी जिनके साथ एक छोटा सा ब्लैक कलर का एरो होता है जिसके साथ जिस पिक्चर के साथ छोटा सा ब्लैक कलर का अगर एरो होता है तो उसको हम कहेंगे शॉर्टकट। ये हो गया फोल्डर, ये हो गया शॉर्टकट। देन इस तरीके की कुछ फाइल्स होती हैं। फोल्डर अलग चीज है, फाइल अलग चीज है, शॉर्टकट अलग चीज है। फोल्डर मतलब जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एक बैग कैरी करते हैं तो वैसे ही फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर हम एक या एक से ज्यादा फाइल्स रख सकते हैं। फाइल्स मतलब हम जो एक्चुअल सेपरेट चीजें रखते हैं ना उस बैग के अंदर वो हमारी एक एक फाइल होती है। ओके, और फाइल के अंदर होते हैं पेजेस तो हम एक्चुअली काहे पे लिखते हैं पेजेस पे लिखते हैं बट वो पेजेस काहे में रहेंगे फाइल में, फाइल काहे में रहेगी
एक तो डायरेक्टली डेस्कटॉप पे रह सकती है या डायरेक्टली कोई ड्राइव पे रह सकती है, और इसके अलावा कहाँ हो सकता है, फोल्डर के अंदर। ओके सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये स्टार्ट मेनू है। ओके तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगी, ऐसा कुछ बाहर पॉपअप होके मिलेगा, तो वो जो दिखाई देगा उसको हम कहेंगे स्टार्ट मेनू। तो इस मेनू के अंदर जैसे होटल में मेनू होता है, देखिए अभी पहले इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा था, अभी यहाँ पे सैम दिख रहा है। तो इस कंप्यूटर में जब विंडोज एक्सपी इंस्टॉल किया गया तब नाम क्या लिखा गया, सैम। ओके तो ऐसे ही आपके कंप्यूटर में भी आप देखिएगा कि उस कंप्यूटर का जो ड्राइव नेम है या जो लॉजिकल नेम है या जो यूजर नेम है वो क्या दिया हुआ है, या डिवाइस नेम है वो क्या दिया हुआ है। ओके देन फ्रेंड्स हम आइकन्स के बारे में देखेंगे। तो ये देखिए ये येलो कलर का फोल्डर है, वो आपको कहा था मैंने, ये सारा फोल्डर येलो कलर का आइकन जो दिखेगा वो है फोल्डर। अगर येलो कलर के आइकन के नीचे ऐसा हाथ दिखाई दे रहा है तो दैट इज शेयर्ड फोल्डर। शेयर्ड फोल्डर मतलब उसको आपने शेयरिंग पे रखा हुआ है कि कोई भी आके उसमें देख सकता है। ओके ये है, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा एक फाइल का नाम है और उसके साथ एक ब्लैक कलर का एरो है। ठीक है तो ये जो ब्लैक कलर का एरो है इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इज अ शॉर्टकट। ये माय कंप्यूटर है, जैसे आपके घर में एंटर होने के लिए एक मेन रूम होता है जहां से पूरा का पूरा मेन गेट होता है जहां से पूरा का पूरा घर एक्सेसिबल होता है, तो माय कंप्यूटर जो है वो आपके घर को हर जगह से एक्सेसिबल करने के लिए स्कोप देता है। यानी माय कंप्यूटर मतलब आपका घर, कंप्यूटर का घर। ओके विंडोज एक्सपी में माय कंप्यूटर नाम से आता है। अब इसके हायर वर्जन ऑफ विंडोज जो रहेंगे वहां पे हो सकता है माय कंप्यूटर के जगह एक तो आपके कंप्यूटर का नाम रहेगा या दिस पीसी ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ओके अब नेक्स्ट आता है टास्क बार। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता होगा कि आपके टास्क बार पे क्या क्या है तो आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकोगे। तो देखिए यहाँ पे टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन के बाजू में जस्ट कुछ आइकन्स होते हैं, उसको कहा जाता है क्विक लॉन्च टूल बार। और उसके राइट हैंड साइड में आपको डेट टाइम दिखेगा, फिर अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर्स यूज किए हैं वो सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। ओके सो ये सारी चीजें हम लोग उसमें वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको आवाज कम करनी है, बढ़ानी है, ओके तो ये भी हम वहां पे देख सकते हैं। ओके अब हमको कभी स्क्रीन हमारी फुल साइज करनी है, कभी छोटी रखनी है, जैसे अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा मेरा जो स्क्रीन शेयरिंग है वो फुल साइज में दिख रहा है, बट अगर मुझे कुछ काम करना है तो साइड बाय साइड अगर मुझे वैसा वर्कआउट करना है, जैसे साइड बाय साइड अगर मुझे कोई दूसरी और स्क्रीन ओपन करनी है तब मैं क्या करूंगी, तो उस समय व्हाट विल आई डू, आई विल मतलब उसका जो साइज है स्क्रीन का जितना उसने दिखना चाहिए स्क्रीन पे उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके उसको दूसरी साइड जो दूसरी वाली स्क्रीन है उसको सामने लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए उसके लिए ये काम करने के लिए मेरे पास तीन बटन्स हैं, एक होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज और तीसरा होता है क्लोज बटन। ओके सो मिनिमाइज बटन आपकी जो स्क्रीन है उसको टेम्परेरीली क्लोज करके, टेम्परेरीली पूरी बंद नहीं हुई है सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी, उसको टेम्परेरीली क्लोज करके नीचे टास्क बार में छोड़ देता है। ठीक है और अगर मैक्सिमाइज बटन है तो वो पूरा स्क्रीन फुल वो स्क्रीन दिखाई देगी, और क्रॉस बटन आपकी स्क्रीन पे अगर दिखाई दे रहा है तो उसे आप बंद कर सकते हो। ओके ठीक है अब अगर मैक्सिमाइज किया हुआ है तो बीच वाला जो बटन है ना
उसके बाद आएगा रिस्टोर बटन। ये रिस्टोर बटन क्या करेगा, जो उसकी नॉर्मल साइज थी उस पे वो वापस लौट आएगा। आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू, ओके। और ये क्रॉस बटन देखिए, क्रॉस बटन के बाजू में जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऐसा, जब बॉर्डर पे आप आओगे तो ऐसे देखिए एक एरो दिखाई देगा। जब मेरा ये जो माउस पॉइंटर घूम रहा है ना, जब मैं ये बॉर्डर पे लाऊंगी तो बॉर्डर पे ये माउस पॉइंटर कैसा हो जाएगा, ऐसे दो एरो वाला हो जाएगा, दो मुंह वाला, ठीक है। सो देन व्हाट वी कैन गो फॉर इट, उसको क्लोज कर देंगे, उसको अगर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अब ये मैंने एक वर्ड यूज किया, क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग मतलब देखिए, ये मेरे पास माउस है, ओके। और अगर मैं राइट हैंडेड हूं, ये मेरा माउस है और मैं राइट हैंडेड हूं, तो मेरी ये जो पहली वाली उंगली है दैट इज क्लिक, एक बार प्रेस किया बटन छोड़ दिया, बटन प्रेस किया छोड़ दिया, तो ये उंगली को हम कहेंगे क्लिक, ठीक है। ये वाली उंगली को कहूंगी मैं राइट क्लिक। ये वाले बटन पे अगर मैं उंगली प्रेस कर रही हूँ, तो यहां से प्रेस करके जब मैं रिलीज कर रही हूँ, देखो प्रेस किया रिलीज किया, प्रेस किया रिलीज किया, तो ये मेरा राइट क्लिक हुआ। तो ये वाली उंगली से जब मैं करूंगी तो ये राइट क्लिक रहेगा, ये क्लिक रहेगा। अब अगर एक बार क्लिक कर रही हूं, एक बार क्लिक कर रही हूं, तो क्या होगा, क्लिक। फटाफट दो बार प्रेस कर रही हूं तो डबल क्लिक, तीन बार प्रेस कर रही हूं तो ट्रिपल क्लिक, ठीक है। तो जब मैं बोल रही हूँ क्लिक, तो आप एक बार प्रेस करेंगे, डबल क्लिक बोलूंगी तो फटाफट दो बार प्रेस करेंगे, और ट्रिपल क्लिक बोलूंगी तो तीन बार फटाफट प्रेस करेंगे। और यहाँ पे इस उंगली से जब मैं राइट हैंडेड हूं और मैं ये सेकेंड वाली उंगली से अगर ये प्रेस कर रही हूं, तो इट विल राइट क्लिक, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो उस समय आपका ये वाला जो बटन है, ये आपका ये वाली उंगली जो है वो आपकी क्लिक हो जाती है और ये आपकी राइट क्लिक हो जाती है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो वो सेटिंग आपको माउस के सेटिंग्स में जाके करना पड़ता है, दैट आई डेमोन्स्ट्रेट यू, ओके। सो नाउ अब ये आपका देखो, जैसे ये आपका टाइप विंडो आपको कहाँ पे से समझ में आएगी, तो देखिए ये जो ऐसा नीले कलर की पट्टी दिखाई देती है ना, तो पूरा बॉक्स जो दिखाई देगा दैट इज अ विंडो। अब फिर वो कोई भी एप्लीकेशन की विंडो हो सकती है, एमएस वर्ड की हो सकती है, कैलकुलेटर की हो सकती है, आपके मूवीज की हो सकती है, वीएलसी मीडिया प्लेयर की हो सकती है, आप सॉन्ग सुन रहे हो उसकी हो सकती है, फोटोज देख रहे हो उसकी हो सकती है, इट कैन बी अ विंडो ऑफ एनीथिंग, ओके। तो ये देखिए यहां से मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज और बॉर्डर पे लाके उसकी साइज कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, ओके। देन अब अगर मैंने आपके कंप्यूटर से कीबोर्ड को हटा दिया तो क्या करोगे, सॉरी माउस को हटा दिया तो क्या करोगे। अभी हमने ये तो देखा है हमारे इसमें कि ये क्विक लॉन्च से मैं क्लिक करके ऑप्शन को खोल सकती हूँ, या डेस्कटॉप पे ये जितने भी आइकन्स दिख रहे हैं मैं उस पर डबल क्लिक करके मेरा एप्लीकेशन खोल सकती हूँ, बराबर है। बट अब अगर मुझे, मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे पास माउस हटा दिया, तो अब क्या। तो फ्रेंड्स, कल मैंने जो राइट आपको बताया था, कीबोर्ड के ऊपर कुछ बटन्स होते हैं जिसमें CTRL का बटन होता है, ALT का बटन होता है, टैब का बटन होता है, तो उन दो बटन्स का कॉम्बिनेशन करके, मतलब ALT बटन प्रेस करके रखेंगे और साथ ही टैब बटन अगर आप प्रेस करते हो, ALT बटन प्रेस करके रखेंगे और साथ ही अगर आप टैब बटन प्रेस करते हो, तो आपको साथ में क्या होगा, आपको जो जो स्क्रीन ओपन है ना वो दिखाई देगी। जैसे अभी देखिए मैंने ये पीले कलर के फोल्डर पे अल्टर टैब बटन प्रेस किया, तो ये देखिए कौन कौन सी स्क्रीन्स खुली है बिना माउस का यूज किए मुझे दिखाई देगा। तो जब भी आप अल्टर टैब यूज करोगे, आपको बिना माउस यूज किए
किसी भी विंडो पे जाते आएगा, उसको कहा जाता है स्विचिंग विंडोज। ठीक है, उसको कहा जाता है स्विचिंग विंडोज। एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाना, एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना। तो ये सारी चीजें विंडोज में कैसी होती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हर स्क्रीन को एक विंडो बोलते हैं। तो उस हर एक विंडो पे से एक से दूसरे पे अगर आपको शिफ्ट होना है और आपके पास माउस नहीं है, तो आपके पास अल्टरनेटिव क्या है, सब लोग नोट करके रखिएगा, अल्ट प्लस टैब की आपको प्रेस करनी है, अल्ट प्लस टैब। ओके, नाउ अब हम विंडोज एक्सपी के प्रोग्राम्स खोलेंगे कैसे। अभी हमारे कंप्यूटर में क्या क्या है ये हमको पता होना चाहिए। हम जब जिस घर में रहते हैं तो उसकी सारी रूम्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, कौन से रूम में क्या फर्नीचर रखा हुआ है, क्या हम उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, सब पता होना चाहिए, राइट? सो हाउ यू विल एक्सप्लोर विंडोज एक्सपी। सो विंडोज एक्सपी एक्सप्लोर करने के लिए देखिए, अभी पहले इसमें एडमिनिस्ट्रेटर नाम था, उसके बाद में हमने सैम नाम देखा, अभी जैन नाम देख रहे हैं आप। ठीक है, तो द नेम कैन बी चेंज्ड। हाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू, व्हेन हम लोग जब सिस्टम के टूल्स यूज करेंगे तब हम इसका नाम चेंज किए हुआ देखेंगे। ओके, सो अभी देखिए, आपके पास स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स दिखाई देगा। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स दिखने के बाद अब पूरी की पूरी एक लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें से आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है और आप उसको वर्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देखिए, एक और दूसरा कंप्यूटर था जिसमें समर डाउस नाम का नाम रखा हुआ था कंप्यूटर का, और जैसे ही ऑल प्रोग्राम्स पे से सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखो ये व्यू अलग है, इस पर्टिकुलर स्क्रीन का व्यू अलग है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है, आपके कंप्यूटर में हो सकता है जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होंगे वो ही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम्स नहीं होंगे वो नहीं दिखाई देंगे। तो जैसे अभी हम लोगों को एमएस वर्ड पे काम करना है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स और फिर एमएस वर्ड, या ऑप्शन मेरे पास में क्या है, ऑल प्रोग्राम्स एमएस वर्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप दोनों की जो लुक है स्क्रीन का वो अलग अलग देख रहे हो। ठीक है, नाउ हाउ टू लॉन्च अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, जैसे अभी अगर हमको सर्चिंग करना है, इंटरनेट पे कुछ देखना है, तो हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है। फिर अगर हमारे पास हमको कुछ ईमेल भेजना है तो ईमेल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी तो ईमेल वाला प्रोग्राम है। फिर अगर मुझे वर्ड वगैरह ऐसा कुछ चाहिए तो उस पर क्लिक करूंगी तो वो वाला प्रोग्राम ओपन होगा। नाउ फ्रेंड्स, हाउ वी कैन स्विच द यूजर्स। तो आप जब स्क्रीन पे शटडाउन के बटन के पास आओगे तो वहां पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक स्विच यूजर, एक लॉग ऑफ। स्विच शटडाउन का बटन, यानी जिसको हम पावर का बटन भी बोलते हैं, जब आप स्क्रीन पे देखोगे एक उल्टा कलर का राउंड, मतलब उल्टा एक राउंड होता है और उसमें एक बीच में एक लंबी डंडी होती है, ऐसा राउंड और डंडी। ठीक है, तो वो आपका शटडाउन का सिंबल है, वैसा ही बटन आपके लैपटॉप या कीबोर्ड पे, जिसपे आपका डेस्कटॉप है उस पे भी रहेगा, उसको पावर का बटन बोलते हैं। तो जब कंप्यूटर बंद होता है तो वो आपको इस तरीके से पूछेगा कि आपको विंडोज लॉग ऑफ करना है, मतलब आप एक से ज्यादा लोग उस घर में काम कर सकते हैं तो आपको उस घर से बाहर निकलना है, या किसी दूसरे यूजर के हिसाब से काम करना है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने कहा था आप लोगों को कि कंट्रोल पैनल आपको दिखाऊंगी, तो ये कंट्रोल पैनल बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारा, जैसे कंट्रोल बोला हुआ है ना, तो जैसे कंट्रोलिंग हम लोग हर चीज का करते हैं,
वैसा घर का कंट्रोलिंग या कुछ आपके स्कूल का कंट्रोलिंग या जॉब का कंट्रोलिंग हम करते हैं, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, तो वैसे ही अगर हमको हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोलिंग करना होगा तो हम कंट्रोल पैनल के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल कहाँ पे दिखाई देगा? कंट्रोल पैनल हमको जब हम स्टार्ट में कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे तो वहां दिखाई देगा। स्टार्ट मतलब क्या? जो स्टार्ट बटन आपको दिखाया था, ठीक है, तो वहां पे टाइप करते बराबर सबसे पहले मुझे ये स्क्रीन दिखती है। अब यहां से मैं देखिए पूरी सेटिंग्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने जो बोला था नाम चेंज करना, ये यूजर अकाउंट से यहां से होगा। अगर मुझे इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, अपियरेंस में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीजें यहां से सेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डेट टाइम कैसे सेट करना है। तो जैसे ही मैं नीचे का जो टास्क बार है उसके राइट कॉर्नर पे डेट दिखती है, उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो मुझे डेट टाइम प्रॉपर्टीज दिखेंगी, या फिर राइट क्लिक करके सेट डेट टाइम करूंगी या एडजस्ट डेट टाइम करूंगी तो भी मुझे ये दिखाई देगा। अब यहां से मैं मंथ, ईयर, डेट, टाइम एएम और पीएम में सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे जैसे ओपन होते बराबर जब भी कंप्यूटर शुरू होता है तो आप ऑब्जर्व करते हो मेरे इस पे एक ब्लैक टाइगर है स्क्रीन पे, तो वैसे ही किसी को अपने कुछ नियर एंड डियर वंस के फोटोज चाहिए, या कुछ लोगों को कुछ सीनरी चाहिए, या किसी को सिर्फ ब्लैंक वाला डेस्कटॉप चाहिए, तो वो आप कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो? जो आपको डेस्कटॉप बताया था उस डेस्कटॉप में जाना और खाली जगह में राइट क्लिक करना। खाली जगह में, जिस जगह में कुछ नहीं होता है वहां पे हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद उसमें प्रॉपर्टीज ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी मुझे ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, अब ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स दिखने के बाद मुझे यहां से जो भी फोटो चाहिए वो मैं सिलेक्ट करूंगी। अगर मुझे उसको पूरी ऐसी फटी हुई पूरे स्क्रीन भर फोटो चाहिए तो मैं स्ट्रेच ऑप्शन लूंगी। कौन से कलर की चाहिए, अगर कोई फोटो वगैरह नहीं चाहिए तो कौन सा कलर फुल किए हुआ चाहिए तो वो लूंगी और अप्लाई पे क्लिक करूंगी। तो अभी देखिए बैकग्राउंड में क्या सिलेक्टेड है, ट्यूलिप्स सिलेक्टेड है, और ट्यूलिप्स की ये फोटो है तो आपको स्क्रीन के ऊपर वो फोटो दिखाई देगी। ठीक है, अब कुछ लोगों को अपने जैसे हम लोगों के फोटो स्क्रीन पे दिखते हैं, अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे तो देखते हैं कि हम लोग एक के बाद एक हमारे फोटोज स्क्रीन पे आ रहे हैं, या कुछ जैसे पाइप जैसा इधर से उधर घूमता हुआ दिख रहा है, या कोई एक वर्ड है जो ऐसा डांस करता हुआ स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये स्क्रीन सेवर होता है। ठीक है, तो ये स्क्रीन सेवर भी आप सेट कर सकते हो। कहाँ से करोगे? अगेन राइट क्लिक इन द डेस्कटॉप खाली वाला एरिया, और वहां से आप क्या करोगे, स्क्रीन सेवर वाला ऑप्शन से प्रॉपर्टीज में से स्क्रीन सेवर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, फिर मार्क जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और अगर आपके माय पिक्चर्स में सारे फोटोज होंगे तो आपके खुद के जो भी जैसे कैमरे से डिजिटल कैमरे से हम लोग फोटोज अगर रख रहे होंगे तो वो कहाँ पे आएंगे, माय पिक्चर्स स्लाइड शो में, तो वहां से भी आप आपके फोटोज ले सकते हो। ठीक है, और फिर ओके पे क्लिक करना। ठीक है, अब कई बार क्या होता है आपका नीचे का जो टास्क बार है ना वो चला जाता है, बार बार गायब हो जाता है, तो वो क्यों होता है ये देखिए, ये जो टास्क बार रहेगा ना नीचे वाला, ठीक है, जो राइट जब आपका विंडोज का जो नीचे वाला टास्क बार रहेगा उसमें राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे वहां पे टास्क बार सेटिंग्स आएंगी, ये जो नीचे का ऐसा ब्लू कलर का नीचे का पट्टा दिखता है ना, ठीक है, तो उस पे आप राइट क्लिक करोगे और सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको टास्क बार की प्रॉपर्टीज दिखाई देगी।
तो यहां से देखिए आप ये सारी चीजें सेट कर सकते हो, जी टास्क बार को लॉक करना है, ऑटो हाइड ऑफ करना है। अभी देखो ये ऑटो हाइड ऑफ है, ऑटो हाइड अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो वहां पे ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा। ग्रीन कलर का साइन मतलब क्या कि वो टास्क बार हाइड हो, मतलब काम नहीं है, तो वो जो नीचे का जो स्ट्रिप है वो गायब हो जाएगा। फिर से आप कोई बटन प्रेस करोगे तो वो दिखाई देगा, कोई बटन मतलब आपके जो डेस्कटॉप है या आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर ना एक चार छोटे बॉक्सेस वाला बटन होता है जिसको हम विंडोज का बटन कहते हैं, वो रहेगा। ओके, और जो जैसे अभी हम कुछ जैसे क्विक लॉन्च वाला आपको बताया, वो अगर दिखाना है तो यहां से टिक कर सकते, अगर नहीं दिखाना है तो आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, सो कौन कौन से बटन्स हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ओके, और विंडोज एक्सपी में कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स में आपको फाइल्स दिखेंगी? जैसे डॉक्यूमेंट फाइल है तो वर्ड की फाइल अगर आपको देखनी है तो डॉट डीओसी या डीओसीएक्स रहेगी, जेपीजी या जेपीईजी रहेगी, टीएक्सटी रहेगी, एचटीएमएल, ऐसी फाइल्स रहेगी। ठीक है, अब हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, आपको अगर नई फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे करोगे? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, नोटपैड, फिर वहां पे आपको ना नोटपैड खुला हुआ दिखेगा, ये आपका नया डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे जब भी आप टाइप करोगे, आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू। ओके, जब भी आप टाइप करोगे ना तो आपको उसके कंटेंट्स टाइप होने में मदद मिलेगी कीबोर्ड के थ्रू, और फिर फाइल में जाके सेव करके, सेव एज करके आप उसको जो चाहिए वो नाम दे सकोगे। ओके, आई होप आप लोगों को आज का समझ में आया होगा।